खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर, खबरों की वही तस्वीर बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का ही। आप देख रहे हैं दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका। राजस्थान पथ परिवहन निगम पालना डिपो के लिए हमेशा ईमानदारी से कार्य करना मेरी पहली प्राथमिकता तथा जनहित के विशेष मुद्दे को लेकर कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर। मुख्य प्रबंधक रुचि पंवार। राजस्थान पथ परिवहन निगम पालना डिपो की मुख्य प्रबंधक रुचि पंवार से गुरु ज्योति पत्रिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल नई दिल्ली से राष्ट्रीय चैनल प्रमुख डॉक्टर के एल परमार ने राजस्थान पथ परिवहन निगम पालना डिपो के कई विशेष मुद्दों को लेकर चर्चा की। मुख्य प्रबंधक पालना डिपो रुचि पंवार ने कहा कि QR कोड ऑनलाइन पेमेंट शुरू होने से सभी कार्मिकों को सुविधाएं हुई हैं, जिससे कार्मिकों को हर प्रकार से फायदा होने की संभावना है। इस दौरान प्रतियोगिता परीक्षा के लिए रोडवेज बसों में भी व्यवस्था काफी शानदार रहती है, जिससे कि प्रतियोगिता परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों के लिए अलग अलग बसों की व्यवस्था कर उन्हें बेहतर से भी बेहतर सफर करने की पूर्ण रूप से सुविधाएं मुहैया करवाई जाती हैं, जिससे कि अभ्यर्थियों को अपने गंतव्य स्थान पर आसानी से पहुंचाया जा सके। इस दौरान रुचि पंवार ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से लोकल गाड़ी में 50% महिलाओं के लिए किराया माफ किया गया है, जो कि राजस्थान सरकार की एक शानदार पहल है, जिससे कि महिलाएं आसानी से रोडवेज की बसों में आरामदायक यात्रा का लाभ उठा सकती हैं। इसी प्रकार राजस्थान पथ परिवहन निगम में भर्ती की अक्सर मीडिया में खबर प्रमुखता से प्रकाशित हो रही है, जिसको लेकर भी कहा गया कि इस संबंध में हमारे उच्च अधिकारियों के द्वारा ही अच्छे से जानकारी है, जो राजस्थान प्रदेश की राजधानी जयपुर से पूरी जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसी दौरान फालना डिपो में उन्होंने कहा कि फालना डिपो में फिलहाल कार्मिकों को भी बहुत कमी है और गाड़ियां भी बहुत पुरानी हो गई हैं, जिसको लेकर मैंने उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर अवगत करवाया है तथा इस संबंध में परिवहन विभाग के मंत्रालय में भी लिखित में अवगत करवाया है, जिसकी समस्या जल्द ही समाधान होने की संभावना जताई जा रही है। इस दौरान दैनिक गुरु ज्योति पत्रिका समाचार पत्र की टीम डॉक्टर के एल परमार के नेतृत्व में फालना के निकटवर्ती सांडे राव बस डिपो पहुंची, जहां पर सूत्रों से जानकारी मिली कि यहां पर आम नागरिकों के द्वारा सांडे राव बस स्टैंड पर रोडवेज प्रशासन के द्वारा लगभग 3 से 4 साफ सफाई करवाई, लेकिन फिर भी बाहर की दुकान वाले और आसपास के निवास करने वाले लोग शाम को गंदगी फैलाते हैं, जिसको लेकर भी सांडे राव ग्रामीणों से बात की कि उनका कहना था कि साफ तौर से आसपास दुकान वाले और निकटवर्ती निवास करने वाले ग्रामीण कूड़ा कचरा लाकर यहां डालते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इस दौरान रोडवेज स्टाफ द्वारा सफाई करवाई जाती है, लेकिन ग्रामीणों की लापरवाही से कचरे के ढेर फिर से यहां पर लग जाते हैं। इस संबंध में भी हमारी बात मुख्य प्रबंधक रुचि पंवार से हुई। उनका साफ कहना था कि मैंने कई बार स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि को लिखित में दिया है, स्थानीय प्रशासन के द्वारा कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है और उन्हें पाबंद करने के लिए भी कहा गया है, लेकिन अभी तक स्थानीय प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है और न ही ऐसे करने वालों को पाबंद किया गया है। इस दौरान मुख्य प्रबंधक रुचि पंवार को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी विदेशी धरती नेपाल देश के काठमांडू शहर में भी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सम्मानित भी किया गया है, जिसको लेकर डॉक्टर परमार सहित समस्त गुरु ज्योति पत्रिका की टीम ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी और शुभकामनाएं देकर उनका हौसला अफजाई कर उनका मनोबल बढ़ाया। रुचि पंवार समाज सेविका के बतौर भी जानी जाती हैं। इस दौरान राजस्थान पथ परिवहन निगम फालना डिपो के प्रबंधक यातायात प्रदीप पाल सिंह सहित समस्त फालना डिपो के कार्मिक मौजूद थे। नमस्कार दर्शकों, हमारी टीम इस वक्त पहुंची हुई है पाली जिला मुख्यालय के अंतर्गत सांडेराव, जो सांडेराव शहर है, वहाँ पहुंची हुई है। यहाँ गंदगी के ढेर है, रोडवेज बस डिपो का ये नज़ारा है और यहाँ पे कचरे के ढेर, यहाँ पे जो रोडवेज डिपो के द्वारा 3-4 बार सफाई करवाई गई थी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी प्राप्त हुई है, लेकिन यहाँ पे जो बाहर दुकानदार और आसपास के लोग निवासरत लोग हैं, यहाँ पे कचरा फेंक के चले जाते हैं। ये नज़ारा बता रहे हैं आपको साफ। कैमरामैन एक बार अपना जो कैमरा है ये कचरे का ढेर की और ये एक और प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत अभियान को लेकर खुलासा करते हैं। वहीं दूसरी ओर कचरे का ढेर है, हम यहाँ बातचीत करते हैं ग्रामीणों से कि ये कचरे का ढेर आखिर कैसे हुआ। जैसे कि रोडवेज डिपो के द्वारा यहाँ पे 3 से 4 बार सफाई करवाई गई है, फिर भी
सूत्रों के मुताबिक हमारी टीम को जानकारी हुई है सर कि बाहर दुकानदार और आसपास के लोग यहाँ कचरा फेंक के चले जाते हैं, आपका क्या कहना है? बाहर से जो दुकानदार है, व्यापारी लोग है, जो आस पास के यहाँ कचरा फेंक के चले जाते हैं, ढेर लगा हुआ पूरा कई सालों, कई साल हो गए उसको, 30-40 साल हो गए, सफाई वाले रोडों वाले सफाई भी करवाते लेकिन वापस इससे कि पहले ऐसे हो जाती है, ठीक है ना जी। आपका आप कहाँ से हो? आम नागरिक हूँ जी। तो आपने जैसे कि इतना कचरे के ढेर लगे हुए हैं, आपने कहीं अधिकारियों को या प्रशासन को या जनप्रतिनिधियों को अवगत करवाया इस बारे में? अवगत तो आते हैं, करवाते भी है, जांच भी होती है, इंक्वायरी भी हुई है, सब कुछ वापस सफाई भी करवाते हैं, लेकिन वापस वही पहले वाली हो जाती है। नमस्कार मित्रों, गुरु ज्योति पत्रिका चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर के एल परमार। आज हमारी टीम इस वक्त पहुंची हुई है पाली जिला मुख्यालय के अंतर्गत फालना, जो फालना जो क्षेत्र है पाली उपखंड मुख्यालय के अंतर्गत आता है, वहां पे फालना राजस्थान पथ परिवहन निगम पहुंचे हुए है और फालना डिपो मुख्य प्रबंधक जो हमारे साथ में है रुचि पवार, उनसे हम जानेंगे जो स्पेशल यहाँ के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैडम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, अभिनंदन है। मैडम, सबसे पहले बातचीत करेंगे तो ये जो QR कोड ऑनलाइन पेमेंट शुरू किया गया है तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छी पहल है QR कोड के संबंध में, इससे यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी कि जैसे टिकट कटना है मशीन से, तो अगर आपके पास तो आप मोबाइल से QR कोड स्कैन करके कर सकते हैं, मतलब डिजिटल वर्ल्ड है आजकल, सब कुछ पेमेंट ऑनलाइन होता है, तो ये क्यों नहीं, ये बहुत अच्छी पहल है और ये काफी अच्छा फायदा है यात्रियों के लिए, बहुत अच्छी चीज है ये। मैडम, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए गुणवी दशाओं की व्यवस्था की जाती है तो उसके लिए आपकी ओर से क्या जो प्रयास किए जा रहे हैं? निगम की ओर से जो रोडवेज परीक्षाएं होती है उसमें यात्रियों को जो बच्चे जाते हैं परीक्षा देने के लिए उनको छूट दी जाती है, वो निःशुल्क होते हैं। जैसे कि कोई एग्जाम है गवर्नमेंट्स के, तो उसमें वो छात्र अपना आईडी कार्ड हो, जो भी उनका आईडी कार्ड है उसके उसको लेके आएंगे तो उनको निःशुल्क यात्रा करने का मौका मिलेगा और उनको ये बहुत अच्छी, मतलब बहुत फायदे की बात है उनके लिए, बहुत अच्छी चीज है ये। मैडम, राजस्थान सरकार की ओर से जो रोडवेज बसों में महिलाओं को 50% छूट दे रखी है, किराया माफ किया गया है, यानी जो 50% लोकल गाड़ियों में, तो आपके ओर से क्या प्रयास किया गया है, आपकी प्रतिक्रिया? हमारी जैसे इस आगार में पालना आगार में ज्यादातर लोकल बसें ज्यादा है, तो महिलाओं को 50% छूट लोकल बसों में मिल रही है और महिलाएं काफी इस चीज को लेके मतलब लाभ उठा रही है और काफी फायदा है उनको इस चीज का लेके। मैडम, वर्तमान में सोशल मीडिया पे आपके राजस्थान पथ परिवहन निगम को लेकर मीडिया में जो खबरें प्रकाशित हो रही है आए दिन, तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? ये जो सवाल है वो मुख्यालय स्तर से संबंधित है कि विज्ञप्ति को कब निकालेंगे, मतलब किस पोस्ट पे निकालेंगे, ये मतलब मुख्यालय स्तर पे जो हमारे अधिकारी बैठते हैं उनसे संबंधित है, जब भी होगी तो सूचित जरूर किया जाएगा। मैडम, एक डिपो प्रबंधक होने के नाते फालना डिपो में स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है, गाड़ियां भी पुरानी हो रखी है, तो उसको लेकर बहुत सराहनीय प्रयास किया जाए, आपकी ओर से ठोस प्रयास किस प्रकार से किया जाए? मेरी तरफ से कई बार मुख्यालय पत्र लिखा गया है, लोकल जो जनप्रतिनिधिगण है उनसे वार्तालाप करके नई गाड़ियों की मांग की गई है, हमारे जो अधिकारी बैठते हैं हेड ऑफिस में उनसे भी कई बार मांग की गई है कि भाई वर्तमान स्थिति को देखा जाए तो पुरानी गाड़ियां हैं, जर्जर अवस्था में है, तो नई गाड़ियां अगर उपलब्ध हो जाएगी तो निगम को अच्छी आय मिलेगी, साथ में यात्रियों को बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी और मैं कहना चाहूंगी कि आज भी अगर मतलब गाड़ियां मिल जाती अच्छी तो ये यात्रियों के लिए काफी अच्छी सुविधा रहेगी इस क्षेत्र में, और ये काफी मतलब मांग भी है कि यहाँ पे नई गाड़ियां दी जाए, काफी पुरानी हो चुकी है गाड़ी और ये यात्रियों की सुविधा के लिए, मतलब जनता के हित के लिए। मैडम, देखा गया है सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली हुई है हमें और जो हमारी गुरुज्योति पत्रिका चैनल की टीम है, अभी हाल ही मौका मुहैया करके आई है सांडेराम रोडवेज डिपो का, वहां पे जिस प्रकार से कचरे के ढेर लगे हुए हैं, यानी पब्लिक से हमने जाना, वहां स्टाफ से भी जाना कि जो
आप सफाई करवाते हो रोडवेज प्रबंधन की ओर से या रोडवेज प्रशासन की ओर से, काफी सराहनीय प्रयास भी किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से आसपास के होटल वाले हैं, बाहर के होटल वाले और नजदीक जो लोग हैं निवासरत, वो वहाँ शाम के समय वापिस कचरा कर लेते हैं, वापिस गंदगी के ढेर लगा देते हैं, तो आप एक रोडवेज प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक होने के नाते आपके ओर से क्या एक्शन लिया गया है? ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस संबंध में मैंने सरपंच महोदय को बार बार इस चीज को मतलब अवगत कराया है कि भाई ये जो बाहर है जो दुकानें हैं, तो ये शाम को मतलब हम सफाई करवाते हैं, जेसीबी से इतना खर्चा करवा के सब साफ करवाते हैं। सफाई तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये लोग शाम होते ही वापस अपना जो दुकानों का कचरा है वो बस स्टैंड परिसर में डाल जाते हैं। भाई उनको सरपंच को कहा, या तो आप उन लोगों को पाबंद करवाइए और अपने जो नरेगा स्कीम से जो मतलब महिलाओं को रोजगार देने का है, उस संबंध में भी अगर आप महिलाएं भी लगा देते हैं ये मतलब सफाई के लिए, तो उनको रोजगार भी मिल जाएगा और साथ के साथ बस स्टैंड परिसर भी साफ सुथरा रहेगा। हम तो जेसीबी से साफ करवाते हैं, जैसे अब है जैसी व्यवस्था है वैसे साफ सफाई करवाते हैं, पर पाबंद करना भी बहुत जरूरी है सफाई के हिसाब से कि भाई नगर पालिका के जो बक्से बने हुए वो वहाँ पे लगवाए जाए, उनको कैटी पर इस चीज की तरफ से मतलब वहाँ से कोई सहयोग मुझे प्राप्त नहीं हो रहा है, जिस वजह से काफी समस्या बनी रहती है। जी मैडम, एक महिला सशक्तिकरण के लिए, आप एक महिला हो, महिला नेतृत्व का प्रतिनिधित्व करती हो, तो महिला सशक्तिकरण के लिए एक सादा संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आपकी माताओं को, बहनों को किस प्रकार से देना चाहोगी? सबसे पहले तो सभी माताओं बहनों को मेरा नमस्कार प्रणाम। मैं किसी की बेटी भी हूँ, आप सबकी बेटी भी हूँ और बहन मानो तो मैं बहन भी हूँ। और सभी महिलाओं को मैं कहना चाहूंगी कि आपको मजबूत होने की जरूरत है। नारी शक्ति है, स्वयं में शक्ति है, जो भी कन्या है वो तो दुर्गा रूप में है, तो हम तो कन्या है, तो हम जैसे देवी है तो देवी की पूजा की जाती है, तो कन्याएं मजबूत होती है, खुद में शक्ति का अवतार है। तो मैं कहना चाहूंगी सभी नारियों को कि बच्चियां हैं तो पढ़ो, आगे बढ़ो, जो आपको करना है जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना उसमें आगे कदम बढ़ाओ और मजबूती से आगे बढ़ाओ। आप शक्ति के रूप में हो तो आप आगे बढ़ो और अपनी शक्ति प्रदर्शित करो कि आप किस मार्ग पे हो और आप इतनी मजबूत हो, ये आप बताएं जमाने को कि आप मजबूत है। नारियों को मैं कहना चाहूंगी कि उनको भी मजबूत होने की जरूरत है और आजकल जमाने में सब बराबर है, तो आप आगे बढ़िए और अपना मतलब जो आपका मार्ग है वो प्रशस्त कीजिए और लोगों को भी आपका मतलब उदाहरण मिले, ऐसे आप कार्य कीजिए। मैडम आप अपने परिचय की मोहताज तो नहीं हो, फिर भी आपको हमारी तरफ हमारे चैनल की तरफ से ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक हमें जानकारी मिली है कि हाल ही में आपको नेपाल जो विदेशी धरती पे आपको सम्मान मिला है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है, उसके लिए भी ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं हो। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम हमारे दर्शक जानना चाहते हैं पूरा आप जो अवार्ड मिला है, सम्मान मिला है, तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी मशहूर हुई हो, एक दर्शक जानना चाहते हैं थोड़ा आपके बारे में। मैं 2019 में नेपाल में काठमांडू में सम्मानित हुई थी अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच के तहत, उन्होंने मुझे दिल्ली नेपाल काठमांडू में सम्मानित किया था। और उसके बाद अभी 2023 में उन्होंने मुझे दिल्ली के अंदर सम्मानित करवाया गया, वही अंतर्राष्ट्रीय समरसता मंच की तरफ से सम्मानित किया गया था और मंच की तरफ से मुझे नारी शक्ति शिरोमणि अवार्ड के तहत सम्मानित किया गया था, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम इसका जो श्रेय है वो किसको देना चाहूंगी? इसका श्रेय मैं अपनी माता जी को देना चाहूंगी, आखिर वो भी एक नारी है जिन्होंने मुझे जन्म दिया, सबसे पहले तो उनको श्रेय दूंगी। बाकी जो भी लोग हैं उनका सबका आशीर्वाद है जिस वजह से मुझे मतलब ऊर्जा मिलती है, सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, सभी मेरे लिए सम्मानीय है, सभी मेरे लिए बहुत ही अच्छे हैं, तो सभी को धन्यवाद देना चाहूंगी मैं। मैडम जिस प्रकार से आज वर्तमान हालात वर्तमान स्थिति में देश में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप महिला होकर एक महिला शक्ति का जो है नेतृत्व करने वाली हो, तो उस भ्रष्टाचार का खात्मा करने के लिए आप एक अधिकारी भी हो, तो किस प्रकार से जो महिला जो इस देश में भ्रष्टाचार हो रहा है उसका खात्मा करने के लिए आपसे आपके ओर से ठोस प्रयास किया जाएगा? इस संबंध में मैं कहना चाहूंगी कि देखो हर एक इंसान के अंदर विवेक होता है, स्वयं के मन को आप जगाओ, आपको ये महसूस होना चाहिए कि आप अच्छा कर रहे हो बुरा कर रहे हो, एक एक को अगर अपन जागरूक करते हैं कि भाई ये आप अच्छा है बुरा, इससे पहले आपको स्वयं जागरूक होने की जरूरत है कि क्या मैं जो कदम उठा रहा हूँ या क्या मैं जो कदम उठा रही हूँ वो सही है गलत है या किस दिशा में जा रहा है। आप इंसानों को सबको जागरूक होने की जरूरत है कि हमारा जो कदम है वो किस दिशा की ओर जा रहा है, सही है गलत है, या उसको खुद के मन को जागृत होना बहुत जरूरी है, अपनी चेतना को जगाना बहुत जरूरी है, जिससे
सुधार पाएंगे? मैडम पाली जो वर्तमान हमारे चैनल पे इस समय बालिका भी देख रही है, मातृशक्ति भी देख रही है, तो मातृशक्ति और बालिकाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत देने वाला संदेश। मातृशक्ति और बालिकाओं को मैं प्रेरणा के स्रोत में कहूंगी कि आप स्वयं में ही प्रेरणा है। देखिए आप पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, शिक्षा करते हैं। आप एक बेटी को आप मतलब आपके घर में जन्मी तो आप ये समझे लक्ष्मी आई है, आप माँ है तो आप समझे दुर्गा है। आप जैसे आप देखते हैं जमाने में कि भाई ये सब गलत हो रहा है, ये हो रहा है, जब आप नवरात्रे करते हैं, सब मेरे ख्याल से सभी नवरात्रि की पूजा करते होंगे लगभग, नहीं भी करते हैं तो भी चलो। आप छोटी कन्याओं को कई घरों में जिमाया जाता है, उनके पैरों पे कंकु चढ़ाया जाता है और उनको दुर्गा माना जाता है। तो बच्चियों को ये सीखना चाहिए कि आप स्वयं में सम्माननीय हो, तो जब वो अपना आदर स्वयं करेगी, अपना सम्मान खुद ओढ़ के रखेगी, तो वो आगे बढ़ के जरूर आगे शक्ति के रूप में आएगी और अपना नाम रोशन करेगी। ऐसे ही मैं माताओं को कहना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को शक्ति के रूप में आगे बढ़ाएं और उनको हिम्मत दे, ताकत दे, शक्ति दे, ताकि वो आगे बढ़े और अपना नाम रोशन करे, साथ में आपका भी और आपके परिवार का भी। जी, एक अंतिम संदेश जागरूकता के लिए। जागरूकता के लिए मैं कहना चाहूंगी कि सभी को मतलब जागरूक होना जरूरी है। सब आजकल मतलब सबके विचार अलग अलग है। मैं चाहती हूँ कि सभी एक साथ कार्य करें, सब एक दूसरे का आदर करें, सम्मान करें। पहले तो अपने सब जो कहना चाहते हैं उनको सुनिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मतलब आजकल नकारात्मकता बहुत फैल गई है, कोई कुछ कहता है उससे पहले ही आप अपना कहेंगे बुरा मान जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो ये जो छोटे छोटे मनमुटाव चलते हैं, पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि इन मनमुटाव को बंद करने की जरूरत है और इंसानों को व्यक्त देने की जरूरत है कि आप पहले सुनिए। और हर एक इंसान को अपना मौका चाहिए आगे बढ़ने का कि उसकी बात सुनी जाए। जब आप ज्यादा सुनेंगे तो आपको महसूस होगा, मतलब बोलना थोड़ा कम चाहिए, सुनना ज्यादा चाहिए, जिससे अच्छा मतलब आउटपुट आ सके। मैं ये कहना चाहूंगी मैडम आपका, बाकी में आप अगली तारीख हो, आपको एक बार ढेर सारी बधाई हो, ढेर सारी शुभकामनाएं हो हमारे चैनल की तरफ से। और बाकी ना बहुत अच्छा बोलते हैं मैडम, दबंग दबंग महिला अगर कहें तो इसमें बहुत ही सत्य वाली बात ये आपको लगता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, बहुत शानदार। बाकी में देखा जाए तो नारी शक्ति का रूप है, दबंग महिला है और महिलाओं का नेतृत्व करने वाली रुचि पवार बाकी में ईमानदार महिला अधिकारी के रूप में जानी जाती है, साफ दिल की इंसान है। और बाकी में देखा जाए तो मातृशक्ति को प्रेरणा देने वाली रुचि पवार, और ये देखा जाए कि इनको जितना भी सम्मान मिला है वो सम्मान इन्होंने डेडिकेट किया है अपनी माता को, समाज को, और साथ में उनको जो मोटिवेट करते हैं, गाइड करते हैं उनको, ऐसी महिला अधिकारी मिलने ही मिलती है सभी स्टाफ रोडवेज के स्टाफ को। बाकी में इनको दिल से एक बार पुनः सैल्यूट मैडम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। गुरुज्योति पत्रिका चैनल से राष्ट्रीय प्रभारी डॉक्टर के एम परमार की स्पेशल कवरेज।